जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आप कक्षा सात के गणित विषय का दस्ताभ्यास तीन हल करना सीखेंगे इस अभ्यास का पहला प्रश्न है किसी परीक्षा में एक कक्षा के पंद्रह शिक्षार्थियों के पूर्णांक सौ में से प्राप्तांक निम्नवत्त हैं ये पंद्रह शिक्षार्थियों के प्राप्तांक हैं सौ अंक में से वो कितने अंक पाए हैं यहाँ पर दिया गया है अब क्या कह रहा है प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए इन प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करने का कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे हमने आपको दो सूत्र बताया था इसके अगले वाले अभ्यास में हमने आपको बताया था कि जब बारंबारता दी गई हो तब कैसे निकालेंगे और जब बारंबारता नहीं दी गई हो तब कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए बारंबारता नहीं दी गई है तो हम उस सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो आइए हम समांतर माध्य निकालते हैं प्राप्तांकों प्राप्तांकों का समांतर माध्य माध्य समांतर माध्य बराबर क्या होगा सिग्मा एक्स यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या यानी एन सिग्मा एक्स बटे एन अब सिग्मा एक्स क्या है पदों का योग तो यहां पे पद कौन कौन से हैं यही जो प्राप्तांक है यही पद हैं इन सबको जोड़ेंगे तो जीरो जीरो प्लस तीस प्लस तीस प्लस बीस प्लस बीस प्लस चालीस प्लस तीस प्लस पचास प्लस साठ प्लस पचास प्लस साठ प्लस अस्सी प्लस सत्तर प्लस तीस प्लस तीस पंद्रह पद होने चाहिए पंद्रह शिक्षार्थियों के ये प्राप्त अंक हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह बटे इसको भाग करेंगे किससे इनकी संख्या से यानी पंद्रह से अब हम यहाँ जोड़ते हैं तो इकाई कांक पहले जोड़ेंगे जीरो 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 तो कुल मिलाकर जीरो आएगा इकाई को हमने जोड़ा जीरो आया अब चलिए दहाई को जोड़ते हैं जीरो और तीन हो गया तीन तीन छः दो आठ दो दस चार चौदह तीन सत्रह पाँच बाईस बाईस छः अट्ठाईस अट्ठाईस पाँच तैंतीस तैंतीस और छः उनतालीस उनतालीस और आठ हो जाएगा सैतालीस सैतालीस और सात हो जाएगा चौवन चौवन और तीन सत्तावन सत्तावन और तीन साठ तो आया छः सौ इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा छः सौ बटे पंद्रह अब छः सौ को पंद्रह से भाग करेंगे पंद्रह चौके साठ पंद्रह इक्कीम पंद्रह और पंद्रह चौके साठ और पंद्रह शून्य में शून्य तो कितना आया चालीस तो प्राप्तांकों का समांतर माध्य आया चालीस ये उत्तर है अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं दूसरा प्रश्न है दस बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः चालीस बयालीस इकतालीस अड़तीस छत्तीस पैंतीस बयालीस सैंतीस पैंतीस पैंतीस किलोग्राम हैं इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो इन दस बालिकाओं के जो भार दिए गए हैं इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है तो चलिए हम इनके भारों का समांतर माध्य निकालते हैं इनके भारों का भारों का समांतर माध्य समांतर माध्य यानी जो दस बालिकाएं हैं उनके भारों का समांतर माध्य। है यहाँ देखिए बारंबारता नहीं दी गई है तो क्या करेंगे पदों का योग बटे पदों की संख्या पदों का योग सिग्मा एक्स बटे एन पद कौन कौन से हैं यही हैं पदों का योग करना है तो चालीस प्लस बयालीस प्लस इकतालीस प्लस अड़तीस प्लस छत्तीस प्लस पैंतीस प्लस बयालीस प्लस सैंतीस प्लस पैंतीस प्लस पैंतीस अब भाग करना है किससे? इनकी संख्या से तो इनकी संख्या दस है या चाहे तो आप गिन लें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बटे दस अब ऊपर सब को जोड़ेंगे तो पहले इकाई कांक जीरो और दो दो हो गया एक तीन आठ ग्यारह ग्यारह छः सत्रह सत्रह और पाँच बाईस और दो चौबीस चौबीस और सात हो जाएगा इक्तीस इकतीस पाँच छत्तीस छत्तीस और पाँच इकतालीस इकतालीस के एक हासिल आएँ चार अब दहाई कांक चार हासिल और ये चार आठ चार बारह चार सोलह सोलह तीन उन्नीस उन्नीस और तीन हो जाएगा बाईस बाईस तीन पच्चीस पच्चीस चार उनतीस और तीन हो जाएगा बत्तीस बत्तीस और तीन पैंतीस पैंतीस और तीन अड़तीस तो हो गया तीन सौ इक्यासी बटे दस अब यहाँ से हम जीरो को हटाएंगे, तो दसमलव यहाँ लगाएंगे। तो बराबर हो जाएगा अड़तीस दसमलव एक बटे एक यहाँ से जीरो हटा दिए एक अंक पहले दशमलव लगा दिए अब इसको एक से भाग करेंगे तो यही आएगा किसी को भी हम एक से भाग करेंगे तो वही आएगा तो बराबर अड़तीस एक और सब के ग्राम में थे किलोग्राम में तो ये भी होगा किलोग्राम यानी दस बालिकाएं जो हैं उनके भारों का जो समांतर माध्य है वो अड़तीस दशमलव एक किलोग्राम है ये आपका उत्तर है अब आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित सारणी में पचास शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए ये पचास शिक्षार्थियों के भारों का सारणी दिया गया है जैसे चालीस किलोग्राम वाले चार शिक्षार्थी हैं 42 किलोग्राम वाले 12 शिक्षार्थी हैं तिरालीस के वाले 18 शिक्षार्थी हैं चौवालीस के वाले 10 शिक्षार्थी हैं पैंतालीस के वाले 6 शिक्षार्थी हैं अब कह रहा इनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो चलिए सबसे पहले हम इसको ये जो छैतीस तल में है इसको लम्बौत करके उतारते हैं भार और यह बारम्बार्ता भार को एक्स से और बारम्बार्ता को यप से प्रदर्शित किया जाता है तो चलिए एक कालम एक्स का और एक कालम एफ का यक्स कितना है चालीस चालीस की बारंबारता कितनी है चार बयालीस की बारंबारता बारह तैतालीस की बारंबारता 18 चौवालीस की बारंबारता दस पैतालीस की छ अब चलिए यफ गुड़े एक्स करते हैं एफ गुड़े एक्स हमें पता है कि इनका समांतर माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ गुड़े एक्स बटे सिग्मा एफ इस सूत्र का प्रयोग करना है तो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो पहले एफ गुड़े एक्स करते हैं चालीस गुड़े चार तो हो जाएगा चार चौके सोलह एक सौ सो साठ बारह का गुड़ा बयालीस में करेंगे तो बारह दूना चौबीस के चार हासिल आएँ दो बारह चौके अड़तालीस और दो पचास हो जाएगा पाँच सौ चार अट्ठारह गुड़े तैतालीस अट्ठारह तिया चौवन के चार हासिल आएँ पाँच अट्ठारह चौके बहत्तर बहत्तर पाँच सतहत्तर सात सौ चौहत्तर चौवालीस गुड़े दस हो जाएगा चार सौ चालीस पैंतालीस गुड़े छः छः पंजे तीस के जीरो हासिल आए तीन छः चौक के चौबीस और तीन सत्ताईस दो सौ सत्तर अब लाइन खींचेंगे सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे एफ इंटू एक्स इन सबको जोड़ेंगे सिग्मा का मतलब होता है जोड़ अब जोड़ रहे हैं पहले इकाई जीरो चार चार आठ आठ हो गया अब दहाई कांक छः सात तेरह चार सत्रह सत्रह और सात हो जाएगा चौबीस चौबीस के चार हासिल आए दो अब सैकड़े कांक तो दो हासिल और एक ये तीन तीन पाँच आठ सात पंद्रह चार उन्नीस और दो इक्कीस तो दो हजार एक सौ अड़तालीस सिग्मा एफ एक्स बराबर आया दो हजार एक सौ अड़तालीस अब सिग्मा एफ करेंगे सिग्मा एफ तो सिग्मा एफ आएगा पचास यहां देखिए पचास शिक्षार्थियों का भार तो ये पचास है चाहे आप जोड़कर देख लीजिए चार दो छ आठ चौदह छः बीस के जीरो हासिल आए दो अब दहाई का अंक दो एक तीन एक चार एक पाँच पचास आया अब आइए पचास शिक्षार्थियों के भार का समांतर माध्य निकालते हैं तो पचास शिक्षार्थियों शिक्षार्थियों के भारों का समांतर माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ अब यहाँ मान रखते हैं सिग्मा एफ एक्स कितना है दो हजार एक सौ अड़तालीस दो हजार एक सौ अड़तालीस बटे सिग्मा एफ कितना है पचास अब भाग करेंगे दो हजार एक सौ अड़तालीस को पचास से भाग करेंगे तो चलिए सबसे पहले यहाँ जीरो हटाते हैं तो एक अंक पहले यहाँ दसमलव लग जाएगा दो सौ चौदह दसमलव आठ और बटे पाँच बचेगा जीरो को हमने यहाँ पे हटा दिया तो एक अंक पहले यहाँ दशमलव लग गया अब दो सौ चौदह आठ को पाँच से भाग करते हैं देखिए उत्तर कितना आता है पाँच चौके बीस और यहाँ बचा एक हो गया चौदह पाँच दूना दस चार बचा हो जाएगा ये मिला के अड़तालीस दशमलव लगाएंगे पान नमैया पैंतालीस पैंतालीस और तीन अड़तालीस होता है हो जाएगा तीस पाँच छक्के तीस बयालीस दशमलव नौ छः इतना और ये सब क्या था किलोग्राम में था तो आएगा किलोग्राम किग्रा तो ये उत्तर है अब आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करते हैं चौथा प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए यहाँ पे बारंबारता सारणी दी गई है इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है तो आइए सबसे पहले इसको लंबौ तरीके से हम उतारते हैं ये क्षैतिज तरीके से उतारा गया है यहां पे तो चलिए x ऊंचाई को x से यानी ये पद है और बारंबारता f से दो कालम हो गए अब यक्स कितना है एक सौ बयालीस दशमलव एक सौ बयालीस दशमलव एक सौ बयालीस इसकी बारंबारता कितनी है तीन यहाँ पे लाइन खींच दें एक सौ दशमलव एक सौ तैतालीस दशमलव पाँच इसकी बारंबारता कितनी है पाँच एक सौ चवालीस दशमलव पाँच एक सौ चवालीस दशमलव पाँच इसकी बारंबारता कितनी है सात एक सौ पैंतालीस दशमलव पाँच एक सौ पैंतालीस दशमलव पाँच इसकी बारंबारता कितनी है सात एक सौ छियालीस दशमलव पाँच एक सौ छियालीस दशमलव पाँच इसकी बारंबारता तीन एक सौ सैतालीस दसमलव पाँच एक सौ सैतालीस दसमलव पाँच इसकी बारंबारता है दो अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र जो है वो ये है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ यहाँ बारंबारता दिया गया है तो जब बारंबारता दिया गया हो तो समांतर समांतरमाद इस सूत्र की सहायता से निकाला जाता है अब सबसे पहले एफ़ गुड़े एक्स करेंगे यफ गुड़े एक्स चलिए यफ गुड़े एक्स करते हैं इसका गुड़ा इसमें करेंगे तीन पंजे पंद्रह के पाँच हासिलएं एक तीन दूना छः एक सात तीन चौके बारह के दो हासिल हासिलाएँ एक तीन इक्के तीन और एक चार एक अंक पहले दशमलव यहाँ लग जाएगा पाँच का गुड़ा इसमें होगा पाँच पंजे पच्चीस के पाँच हासिल आएँ दो एक अंक पहले दसमलो पाँच पंद्रह हासिल दो सत्रह के सात हासिल आए एक पाँचों के बीस और एक इक्कीस के एक हासिल आएँ दो पाँच इक्कीम पाँच दो सात सात से इसमें गुड़ा करेंगे सात पंजे पैंतीस के पाँच हासिल आए तीन सात के अट्ठाईस और तीन अट्ठाईस दो तीस एक इकतीस के एक हासिल आए तीन सात के अट्ठाइस और तीन इकतीस के एक हासिल आए तीन सात इक्कीन सात सात तीन दस एक हजार ग्यारह दशमलव पाँच अब आइए यहाँ पे गुड़ा करते हैं सात गुड़े एक सौ पैंतालीस दशमलव पाँच तो सात पंजे पैंतीस के पाँच हासिल आए तीन एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा सात पंजे पैंतीस पैंतीस और तीन हासिल आया था हो गया अड़तीस के आठ हासिल आएँ तीन सात चौक के अट्ठाईस अट्ठाईस तीन इकतीस इकतीस के एक हासिल आएँ तीन सात इकनिम सात तीन दस एक हजार अठारह दसमलव पाँच अब तीन का गुणा इसमें करेंगे तीन पंजे पंद्रह के पाँच हासिल आएँ एक एक अंक पहले दसमलव लगेगा तीन छक अट्ठारह और एक हासिल उन्नीस के नौ हासिल आएँ एक तीन चौके बारह एक तेरह के तीन हासिल आएँ एक तीन इक्कीम तीन और एक हासिल चार चार सौ उनतालीस दशमलव पाँच अब दो का गुड़ा इसमें करेंगे दो पंजे दस के जीरो हासिल आएँ एक एक अंक पहले दशमलव दो सत्ते चौदह और एक हासिल पंद्रह के पाँच हासिल आएँ एक दो चौके आठ एक हासिल नौ दो इक्कीम दो, दो सौ पंचानवे दशमलव जीरो अब चलिए सिगमा एफ एक्स करते हैं सिग्मा एफ एक्स चलिए बराबर यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ़ एक्स बराबर पहले यहाँ इसको पहला वाला अंक जो है इसको जोड़ते हैं पाँच पाँच दस पाँच पंद्रह पाँच बीस पाँच पच्चीस पच्चीस के पाँच हासिल आए दो दस लगाएंगे अब इकाई वाला अंक हासिल दो आया था और ये सात नौ नौ सात सोलह एक सत्रह सत्रह और आठ हो जाएगा पच्चीस पच्चीस और नौ हो जाएगा चौंतीस चौंतीस और पाँच उनतालीस उनतालीस के नौ हासिल हासिलएँ तीन अब दहाई का अंक तीन दो पाँच एक छः एक सात एक आठ तीन ग्यारह ग्यारह नौ बीस बीस के जीरो हासिल हासिलएँ दो अब सैकड़े का अंक दो चार छः छः सात तेरह 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 चार सत्रह सत्रह और दो उन्नीस के नौ हासिल आएँ एक अब चलिए हजार वाला अंक एक हासिल और एक ये दो एक तीन तीन हो गया तो कितना आया इकाई दहाई सैकड़ा हजार तीन हज़ार नौ सौ नौ नौस दसमलव पाँच चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा एफ़ एक्स बराबर आया है तीन हजार नौ सौ नौ दसमलव पाँच अब सिग्मा एफ़ करते हैं सिग्मा एफ़ सिग्मा एफ इन सबको जोड़ेंगे तीन पाँच आठ सात पंद्रह पंद्रह और सात हो जाएगा बाईस बाईस तीन पच्चीस और दो सत्ताईस आया सत्ताईस अब आइए समांतर माध्य निकालते हैं चलिए यहाँ पे लिख दें सिग्मा एफ बराबर सत्ताईस अब समांतर माध्य निकालते हैं समांतर माध्य सारणी का जो समांतर माध्य होगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ सिग्मा एफ एक्स कितना है तीन हजार नौ सौ नौ दशमलव पांच भागे सत्ताईस अब जब तीन हजार नौ सौ नौ दशमलव पांच को सत्ताईस से भाग करेंगे तो आपका उत्तर आएगा एक सौ चौवालीस दशमलव सात नौ यहां में यहाँ पे निकटतम मान लिखें तो आएगा एक सौ चवालीस दसमलव एक अंक रखना चाहते हैं तो हो जाएगा आठ नौ को जब छोड़ेंगे तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो यहां सात में एक जोड़ना पड़ेगा ये पांच उससे बड़ी है जब इसको छोड़ेंगे तो सात में एक जोड़ देंगे इतना आया और ये क्या था ये सेंटीमीटर में था देखिए ऊंचाई यहां सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर में आएगा तो ये आपका उत्तर है अब आइए अगला प्रश्न हल करते हैं पांचवा प्रश्न है नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं आंकड़ों का पाएग्राफ निरूपण कीजिए ये एक वर्ष में विभिन्न जो अनाज हैं उनके उत्पादन दिए गए हैं जैसे मक्का चार लाख टन पैदा हुआ मटर चार लाख टन चना छः लाख टन गेहूँ दस लाख टन धान बारह लाख टन अब इस आंकड़े का हमें पाईग्राफ तैयार करना है तो देखिए दोस्तों पाईग्राफ तैयार करने के लिए सबसे पहले हम जो त्रिज्याखंड बनाएंगे उसका केंद्रीय कोड हमें पता होना चाहिए तो चलिए हम यहाँ पे बगल में कालम बना लेते हैं त्रिज्याखंड का का कोड खंड का कोड तो चलिए सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे टोटल कितना अनाज पैदा हुआ है चार चार आठ छः चौदह चौदह दो सोलह के छः हासिल आए एक अब दहाई अंक दो और एक तीन हासिल लेकर के हो गया छत्तीस लाख टन टोटल पैदा हुआ है अब यहाँ त्रिजाखंड का हम केंद्रीय कोड निकालेंगे जैसे मक्का जो है उसके त्रिजाखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा कुल कितना पैदा हुआ है मक्का चार लाख टन कितने में छत्तीस लाख ,00 टन में तो चार बटे छत्तीस कर देंगे अब इसका केंद्रीय कोण निकालने के लिए देखिए वृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है टोटल केंद्रीय कोण तीन सौ साठ अंश होता है तो इसका केंद्रीय कोण निकालने के लिए तीन सौ साठ से गुणा कर देंगे तीन सौ साठ अंश अब छत्तीस दहाइयम तीन सौ साठ तो हो जाएगा चार दहाइयम चालीस चालीस अंश तो मक्का का जो त्रिज्याखंड होगा उसका केंद्रीय कोड कितना होगा चालीस अंश ऐसे मटर का मटर का भी चार लाख टन उत्पादन हुआ है तो इसका भी केंद्रीय कोड चालीस अंश आएगा चना चना छः टन पैदा हुआ कितने में छत्तीस में केंद्रीय कोड कितना आएगा तीन सौ साठ से गुणा करना होगा छत्तीस दहाइम तो छः दहाइम साठ साठ अंश आया गेहूं कितना पैदा हुआ है दस लाख टन तो इसका केंद्रीय कोर कितना होगा दस लाख बटे छत्तीस लाख छत्तीस लाख टन में दस लाख टन पैदा हुआ है तीन सौ साठ अंश से गुणा करेंगे इससे ये कट गया आएगा दस दस दहायम सौ तो यहां लिखेंगे सौ अंश इसका केंद्रीय कोण कितना आएगा बारह बटे छत्तीस गुड़े तीन सौ साठ अंश यहाँ दस ही आएगा काटने के बाद तो चाहते तो आप दस से डायरेक्ट गुड़ा कर लेते चलिए बारह दहयम एक सौ बीस अंश तो यहाँ पे सभी के त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण प्राप्त हो चुका है अब आप एक वृत्त बनाएंगे उसके बाद सबके त्रिज्याखंड को बांट देंगे अब आइए यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं तो इसी तरह से आप भी किसी त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे अब सबसे पहले मक्का का त्रिज्याखंड इसमें खींचेंगे तो एक त्रिज्या खींच लेते हैं इसका त्रिज्याखंड खींचना है अब चालीस अंश का कोण यहाँ चांदे की सहायता से नापेंगे दोस्तों हमारे पास यहाँ जगह कम है वक्त ज़्यादा लगेगा इसलिए हम चांदे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं अनुमान पे वैसे बना दे रहे हैं आप यहाँ पे चांदे का प्रयोग करेंगे तो चांदे की सहायता से आप चालीस अंश कोण नापेंगे मान लेते हैं कि यहाँ पे आएगा ऐसे चालीस अंश का कोण नापेंगे आप तो इस तरह से आएगा तो जो ये त्रिज्याखंड बना इसका केंद्रीय कोण कितना है चालीस अंश तो ये किसका है ये मक्का का है तो चलिए हम यहाँ पे मक्का लिखेंगे बाहर लिख देते हैं यहां पे जगह नहीं है मक्का अब दूसरा इसका हम खींचते हैं इसका भी केंद्रीय कोड चालीस अंश है तो चलिए यहां से जब नापेंगे चांदी की सहायता से तो इसका केंद्रीय कोड चालीस अंश है तो ये भी उतना ही आएगा चालीस अंश ये क्या चीज है मटर है चलिए यहां बाहर लिख देते हैं मटर अब चना वाला त्रिज्याखंड खींचेंगे इसका साठ अंश है तो यहाँ चादर रख करके आप साठ अंश नापेंगे चलिए मान लेते हैं यहाँ पे आएगा साठ अंश ऐसे ये वाला त्रिज्याखंड ये साठ अंश का है इसका केंद्रीय कोण ये किसका है ये है चना का अब चलिए गेहूं वाला खींचते हैं अंश है तो यहाँ से आप नापेंगे ऐसे अंश, चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे आएगा अंश ये अंश है ये जो त्रिज्याखंड बना है इसका केंद्रीय कोण सौ अंश है ये किसका है ये गेहूँ का है तो यहाँ पे अंदर लिखिए या बाहर लिख देते हैं गेहूं अब आइए धान वाला त्रिज्याखंड खींचते हैं तो इसका केंद्रीय कोण 120 अंश है तो जो बाकी बचा वो इसका त्रिज्याखंड का कोण है ये 120 ही अंश है तो ये किसका है ये धान का है तो यहाँ लिखेंगे धान एक अंश तो इस तरह से दोस्तों जो ये तैयार हुआ है यही पाई आरेख है पाई आरेख आरेख या इसी को ग्राफ कहते हैं अंग्रेजी में तो ये पाई ग्राफ है यहां हमने जो केंद्रीय कोण खींचा है वो अनुमान पर वैसे खींच दिया है आपको चांदे की सहायता से ये चीज खींचना है अब आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न हल करते हैं छठा प्रश्न है और ये इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न है रविवार के दिन किसी बेकरी के दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है यहाँ पे दिया गया है ब्रेड तीन सौ बीस रुपये का बिका है मीठा बिस्कुट एक सौ बीस रुपये का बिका है नमकीन बिस्कुट एक सौ साठ रुपए का बिका है पेस्ट्री अस्सी रुपये का बिका है अन्य चालीस रुपये का बिका है ये रविवार के दिन इतने इतने रुपये की बिक्री हुई है अब क्या कह रहा है त्रिज्या खंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारड़ी बनाइए और इस सारड़ी का प्रयोग करके एक चार्ट खींचिए। अब यहाँ ब्रेड का त्रिज्याखंड कितना है मीठा बिस्किट का त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण कितना है नमकीन बिस्कुट का केंद्रीय कोण कितना है पेस्ट्री का कितना केंद्रीय कोण आएगा अन्य का कितना केंद्रीय कोण आएगा इसको निकालना है एक सारड़ी बनाना है उसके बाद जब सारणी तैयार हो जाएगी फिर क्या कह रहा है इस सारणी की सहायता से आपको एक चार्ट खींचना है पाई आरेख खींचना है तो चलिए सबसे पहले हम केंद्रीय कोण यहाँ पे निकाल करके इस सारणी को बनाते हैं तो चलिए हम यहाँ पे इन सभी के त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण निकालते हैं तो इसका निकालेंगे तीन सौ की बिक्री हुई है टोटल कितने रुपये में चलिए इसको जोड़ लेते हैं जीरो 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 जीरो, जीरो आया अब दहाइकांक दो, दो चार छः दस आठ अट्ठारह चार बाईस के दो हासिल आए दो दो और तीन पाँच एक छः एक सात सात सौ बीस रुपये की टोटल बिक्री हुई है तो तीन सौ बीस रुपये का ब्रेड भी का है कितने में सात सौ बीस रुपये में तो सात सौ बीस से भाग करेंगे अब इसमें हम तीन सौ साठ से गुणा कर देंगे तीन सौ साठ अंश क्यों तीन सौ साठ से हम गुणा कर रहे हैं क्योंकि वृत्त का पूरे वृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है वो तीन सौ साठ अंश होता है तो हम ब्रेड का अगर निकालना है तो 360 से गुणा कर देंगे अब ब्रेड का जो त्रिज्याखंड होगा उसका केंद्रीय कोण निकल जाएगा देखिए छत्तीस दूना बहत्तर दो आया अब दो से 320 में भाग करेंगे तो आएगा 160 तो आया 160 सौ साठ अंश यानी ब्रेड का जो त्रिज्याखंड होगा उसका केंद्रीय कोण एक अंश होगा अब आइए मीठा बिस्कुट का निकालते हैं एक का बिका है कितने में टोटल कितने का बिका था 720. आप गुड़ा करेंगे 360, से तो बराबर कितना होगा देखिए 36 दूना बहत्तर अब जब दो से इसमें भाग करेंगे तो आएगा 60 साठ अंश तो इसका जो त्रिज्याखंड होगा उसका केंद्रीय कोण 60 अंश होगा अब चलिए इसका निकालते हैं 160 सौ साठ बटे सात सौ 360 गुड़े तीन आएगा दो दो अट्ठे सोलह तो बराबर आएगा अस्सी अंश इसका निकालेंगे तो अस्सी भागे सात सौ बीस और गुड़े तीन सौ साठ अंश छत्तीस दूना बहत्तर दो और इसमें भाग करेंगे तो आएगा दो से आएगा चालीस अंश अब चलिए इसका निकालते हैं चालीस बटे सात सौ बीस गुड़े तीन सौ साठ अंश इससे इसमें भाग करेंगे आएगा दो अब चलिए इसमें क्या आया जब चालीस में दो से भाग करेंगे तो आएगा बीस अंश तो यहाँ आप ऐसे लाइन खींच देंगे और ऐसे लाइन खींच देंगे इस तरह से लाइन खींच देंगे तो ये एक सारड़ी बनकर तैयार हो जाएगी तो ये सारड़ी बनकर के तैयार हो गई खंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारड़ी बनाइए तो वो सारड़ी बन चुकी है अब कह रहा था आगे देखिए और इस सारणी का प्रयोग करके एक पाई चार्ट खींचिए अब इसकी सहायता से हम एक पाई चार्ट खींचेंगे तो आइए हम उस पाई चार्ट को खींचते हैं तो सबसे पहले हमें एक वृत्त खींचना होगा तो किसी त्रिज्या का एक हम वृत्त खींचेंगे चलिए यहाँ पे हमने खींच लिया है अब सबसे पहले ब्रेड वाला त्रिज्या खंड खींचेंगे तो इसका कोण कितना है 160 अंश तो इसका केंद्रीय कोण 160 अंश हम नापेंगे देखिए यहाँ से 160 अंश नापिए तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे आएगा ये आपको चांदे से खींचना है ये कोण कितना आया 160 अंश 160 अंश 160 अंश है ये ये किसका है ब्रेड का तो यहाँ लिखेंगे ब्रेड आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं या बाहर लिख दें कोई फर्क नहीं है अब मीठा बिस्किट का खींचिए इसका केंद्रीय कोण कितना है साठ अंश तो यहाँ से आप साठ अंश का कोई कोण बनाएंगे ये जो त्रिज्याखंड बनेगा ये मीठा बिस्किट का होगा लिखेंगे मीठा मीठा बिस्किट बिस्कुट लिखा हुआ है अब चलिए अगला वाला नमकीन बिस्किट कितना है असियंस अब यहां से असियंस का खींचेंगे असियंस मान लेते हैं ये असियंस है ये नमकीन बिस्किट है नमकीन बिस्किट, बिस्कुट लिखा है अब अगला कौन है ये पेस्ट्री पेस्ट्री चालीस अंश है चलिए इसी में खींच लेते हैं चालीस अंश ये चादर की सहायता से आपको नाप करके खींचना है चालीस अंश यह पेस्ट्री है पेस्ट्री बाहर लिख दिए यहाँ पे। और ये वाला जो बचा ये बीस अंश तो अन्य है बीस अंश अन्य है यह आपको चांदे की सहायता से नाप नाप करके खींचना था लेकिन हमने यहां वैसे अनुमान पर खींच दिया आप इसे चांदे की सहायता से नाप करके खींचना तो परफेक्ट आएगा तो ये जो आया ये जो चित्र है यह ग्राफ है ग्राफ। या इसी को कहते हैं पाई चार्ट पाई चार्ट दोस्तों इसी के साथ ये अभ्यास खत्म होता है हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कहते हैं जय हिंद जय भारत